दोस्तों स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनोज चौधरी और आप पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके की क्लास। आज की इस क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ेंगे, राजस्थान में वन जीव अभ्यारण्य। राजस्थान जीके की जो खजाना क्लासेज चल रही है उसमें रेगुलर क्लासेज होती है और नियमित रूप से रोज एक टॉपिक आप पढ़ते हैं। और आपको कोई भी मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम से ले सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कल की क्लास आप किसी कारण से अटेंड नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप कल की क्लास का टॉपिक जो है वो पढ़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है और उस वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई तथा उसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले हम बात करें केलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भरतपुर जिले में है और इसकी स्थापना 1981 में की गई। और इसकी विशेषता क्या है कि ये पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? भरतपुर में है। स्थापना हुई इसकी 1981 में और इस ये पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। बंद बारेठा अभयारण्य जो कि भरतपुर में है, 1985 में इसकी स्थापना हुई जो कि जरखों के लिए प्रसिद्ध है। जरख जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? बंद बारेठा अभयारण्य भरतपुर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर जिले में है, 1955 में इसकी स्थापना हुई और ये बाघों का घर कहलाता है। नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में है, नाहरगढ़ अभयारण्य की स्थापना हुई 1980 में। यह राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है। फुलहारी की नाल अभयारण्य उदयपुर में है, इसकी स्थापना हुई 1983 में और ये मानसी वाकल नदी के उद्गम स्थल पर है। जैसमंद अभयारण्य उदयपुर में है, 1955 में इसकी स्थापना हुई जो कि बघेरों के लिए बहुत फेमस है। सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर ज़िले में है और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। यह नीलगाय और जंगली सूरों के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता अभयारण्य चित्तौड़गढ़ स्थापना हुई 1989 में, यह उडन गिलहरियों के लिए बहुत फेमस है। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य जो कि चित्तौड़गढ़ में है और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, यह घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में है। बस्सी अभयारण्य किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और यह अभयारण्य बाघों के विचरण के लिए बहुत फेमस है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इसकी स्थापना जो है ये 1979 में हुई कोटा जिले में। और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो कि कोटा में है यह घड़ियालों के लिए बहुत फेमस है। दर्रा अभयारण्य कोटा, दर्रा अभयारण्य किस जिले में है? कोटा जिले में है और इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। कोटा अभयारण्य यदि ये अर्थात दर्रा जो अभयारण्य है यह गागरोनी यानी कि हिरामन तोते के लिए प्रसिद्ध है। जवाहर सागर अभयारण्य कोटा में है, इसकी स्थापना हुई 1975 में और यह मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी जिले में है और इसकी स्थापना हुई 1982 में। यह बाघों का स्वतंत्र विचरण करने के लिए जाना जाता है। बाघों के स्वतंत्र विचरण अगर आपको देखने हैं तो कहाँ पर देख सकते हैं हम? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी में। कनक सागर अभयारण्य जो कि बूंदी जिले में है और इसकी स्थापना हुई 1987 में। सरिस्का अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य किस जिले में है? टलवर बूंदी में है और ये हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। तालछापरा अभयारण्य किस जिले में है? चूरू में। तालछापरा अभयारण्य किस कौन से जिले में है? चूरू जिले में है। स्थापना कब हुई इसकी? 1971 में और ये काले हिरणों के लिए फेमस है। माउंट आबू अभयारण्य जो कि सिरोही जिले में है और इसकी स्थापना हुई 1960 में, यह जंगली मुर्गों के लिए बहुत फेमस है। शेरगढ़ अभयारण्य बारा जिले में है, इसकी स्थापना हुई 1983 में, यह सांपों के संरक्षण स्थल के लिए जाना जाता है। रावली टाटगढ़ अभयारण्य अजमेर जिले में है, इसकी स्थापना हुई 1983 में। गजनेर अभयारण्य बीकानेर, गजनेर अभयारण्य जो है ये बीकानेर के गजनेर में है और यह तीतरों के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में कई बार अभयारण्य से रिलेटेड जो है क्वेश्चन इसलिए पूछ लिए जाते हैं कि ये किसके लिए फेमस है, इनकी विशेषता किस लिए है, तो आपको इस वाले टॉपिक में विशेषताओं का ध्यान रखना है। तो ये था अभयारण्यों के
बारे में, राजस्थान के जो प्रमुख जो अभयारण्य हैं उनकी विशेषताओं के बारे में। कल एक नए टॉपिक के साथ आप मिलेंगे राजस्थान जीके की क्लास में। तब तक के लिए आप जो हिंदी और जो साइंस वाले जो टॉपिक हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप वो टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।